गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल इन स्टैंडर्ड 6. इन प्रीवियस वीडियो वी जस्ट कंप्लीट अवर डायग्राम एंड अंडरस्टैंड अबाउट द डायग्राम व्हाट एग्जैक्टली वी विल डूइंग टू मेक और टू क्रिएट एन फोल्डर और सब फोल्डर. सो एक बार हम इसका रिविजन कर लेते हैं. लास्ट टाइम में जो हमने डायग्राम किया था उसका, इन डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी फर्स्ट वी क्रिएट अवर मेन फोल्डर एंड मेन फोल्डर्स नेम इज स्पॉट्स. ठीक है, हम मेन फोल्डर है वो अपना क्रिएट करेंगे जो हमारी डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी है उसमें, और उसका नाम हम रखेंगे स्पॉट्स. इन स्पॉट्स देर आर टू सब फोल्डर्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इन इंडोर गेम्स देर आर टू फाइल्स, चेस एंड कैरम. एंड इन आउटडोर गेम्स देर आर ऑल्सो टू फाइल्स, फुटबॉल एंड हॉकी. ओके, अंडरस्टैंड. दिस मीन्स दैट वी विल क्रिएट टू फाइल्स, चेस एंड कैरम इन इंडोर गेम्स फोल्डर एंड टू फाइल्स, फुटबॉल एंड हॉकी इन आउटडोर गेम्स फोल्डर. एंड बोथ द सब फोल्डर्स इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स आर क्रिएट एंड स्टोर्ड इन द मेन फोल्डर स्पोर्ट्स. ठीक है, जो इंडोर गेम है उसमें चेस और कैरम दो फाइल्स होगी, आउटडोर गेम्स है उसमें फुटबॉल और हॉकी दो फाइल्स होगी, और ये दोनों फाइल्स है वो हमारे जो मेन फोल्डर है, ये जो दो फाइल है वो इंडोर गेम और आउटडोर गेम्स जो सब फोल्डर है उसमें से होगी, और जो इंडोर फाइल्स और आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स का जो सब फोल्डर है वो मेन फोल्डर स्पोर्ट्स है उसमें से होगी. सो नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर एंड फाइल एंड वर्किंग विद द फाइल्स एंड फोल्डर्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक. सो फर्स्ट, क्रिएट अ न्यू फोल्डर. हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर लास्ट में हम प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे फोल्डर्स है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल्स है, फोल्डर्स है, सब फोल्डर्स है उसको कैसे क्रिएट करते हैं. उसका जो एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में उसको अटैच करेंगे. So now we will first create the main folder spots in documents library. Okay, understand students? So in first, click on a start button on the taskbar. You will see the start menu. Taskbar पे start button पे जब हम click करेंगे तो हम start menu है हमारा open करेंगे. On the right pane of the start menu, click on a documents. You will see the documents library window. जब right pane पे start menu में हम click करेंगे documents पे, तो हम documents library window है उसको देख सकेंगे. यहाँ पे पिक्चर में हमको दिखाया गया है कि कहाँ पे हमको क्लिक करना है. ऑन द टूल बार क्लिक ऑन अ न्यू फोल्डर, यू विल सी द आइकॉन अ फोल्डर विद द वर्ड्स न्यू फोल्डर हाईलाइटेड इन द बॉक्स. यहाँ पे हमारा जो टूल बार है मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाती हूँ. यहाँ पे जो हमारा ये टूल बार है उसमें यहाँ पे जो न्यू फोल्डर है उस पर हमें क्लिक करना है. जैसे ही हम न्यू फोल्डर है उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा जो हाईलाइटेड होगा एक बॉक्स में, और उसमें लिखा होगा न्यू फोल्डर. ठीक है, समझ में आया सबको कि हम फोल्डर है उस कैसे क्रिएट करेंगे. फर्स्ट हम स्टार्ट बटन पे टास्क बार में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें स्टार्ट मेनू है वो हमारा ओपन होगा. देन नेक्स्ट, इन स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड हम डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी विंडो है उसको देखेंगे. एंड जो हमारा टूल बार है, जो हमारा टूल बार है उस पर हमें न्यू फोल्डर जो है टूल उस पर क्लिक करना है, जिससे हमारा जो न्यू फोल्डर है वो क्रिएट होगा. वो एक छोटे से बॉक्स में होगा और उस पर वो हाईलाइटेड होगा और उसमें लिखा होगा न्यू फोल्डर.
देन नेक्स्ट सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हमारा जो न्यू फोल्डर है वो ऐसे ओपन होगा और ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे है, हाइलाइटेड होगा हमारा न्यू फोल्डर और उसमें लिखा होगा न्यू फोल्डर और डिटेल्स पेन में आ जाएगा न्यू फोल्डर डेट मॉडिफाई, यानी कि जब भी हमने ये फोल्डर बनाया है उस दिन की डेट और टाइम आ जाएगा। द डिटेल पेन शोज द डिटेल ऑफ द न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर अपीयर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द फाइल लिस्ट। फोर्थ वन, टाइप इन द नेम ऑफ द फोल्डर स्पॉट्स, यहाँ पे जो हाईलाइटेड बॉक्स था हमारा उसमें न्यू फोल्डर लिखा हुआ है उस पर हमको बैकस्पेस करके या फिर ऐसे ही आप स्पॉट्स ऐसे कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे तो हमारा जो स्पॉट्स नाम का स्पॉट्स टाइप करके एंटर की पे प्रेस करेंगे तो हमारा जो स्पॉट्स नाम का जो मेन फोल्डर हमको जो बनाना था वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेस द एंटर की, द बॉक्स डिसअपियर्स एंड द न्यू फोल्डर स्पॉट्स मूव टू इट्स करेक्ट प्लेस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, द नेम ऑफ द फोल्डर इज हाईलाइटेड। ठीक है, जो हमारा फोल्डर है उसको जब जो हमारा न्यू फोल्डर हाईलाइटेड था उस पर हमने स्पॉट्स ऐसा टाइप किया और फिर एंटर की हमने प्रेस की तो हमारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा और जो फोल्डर है वो क्रिएट होने के बाद जो हमारा स्पॉट्स नाम का जो फोल्डर है वो अल्फाबेटिकली उसकी जो लाइन है उसमें आ जाएगा और वो हमारा जो न्यू फोल्डर है वो हाइलाइटेड होगा। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही। तो डिटेल पेन शोज द नेम एंड डिटेल्स ऑफ द न्यू फोल्डर, क्लिक ऑन अ ब्लैंक स्पेस इन द नेविगेशन पैन टू रिमूव द हाइलाइटेड ऑन द नेम ऑफ द न्यू फोल्डर, नोट द चेंजेस इन द डिटेल पेन। सेकेंड इज क्रिएट अ सब फोल्डर, सो हमने जो हमारा मेन फोल्डर था स्पॉट्स नाम का वो तो हमने क्रिएट कर दिया है। देन नेक्स्ट इज अ सब फोल्डर, जो हमारा सब फोल्डर है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। वी विल क्रिएट अ टू सब फोल्डर्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स इन द मेन फोल्डर स्पोर्ट्स। हमारा जो स्पोर्ट्स नाम का जो मेन फोल्डर है उसमें हमने इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स इसे मेन फोल्डर्स बनाने हैं। मेन फोल्डर जो स्पोर्ट्स है उसमें हमको सब फोल्डर इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स बनाना है। इन द डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी क्लिक ऑन अ स्पोर्ट्स फोल्डर, यू विल सी अ ब्लैंक स्पोर्ट्स विंडो। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में हम स्पॉट्स हमारा जो हमारा मेन फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ब्लैक स्पॉट्स विंडो यानी कि स्पॉट्स फोल्डर है वो ओपन होगा और उसमें हमें ब्लैंक विंडो है वो मिलेगी। सी, यहाँ पे है एड्रेस बार और लाइब्रेरी पेन, ये है हमारा स्पॉट्स फोल्डर, क्योंकि इसमें कोई भी सब फोल्डर या फाइल नहीं है तो ये अभी एम्प्टी है। यहाँ पे एक मैसेज भी है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी एंड यहाँ पे डिटेल पेन में है जीरो आइटम्स। द एड्रेस बार शोज दैट स्पॉट्स फोल्डर इज क्रिएटेड इन डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी विच इज स्टोर्ड इन लाइब्रेरीज। द लाइब्रेरी पेन शोज दैट स्पॉट्स फोल्डर इज स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। You can see the words, this folder is empty in the file list box. This means that there are no subfolders or files in a spots folder. Then next, the details pane also shows zero items, which means that there are no subfolders or files in spots folders. मैंने अभी भी बोला था कि जो हमारा मेन फोल्डर है स्पॉट्स उसमें कोई भी फाइल या फिर सब फोल्डर्स नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मैसेज में दिखाया गया है कि देयर इज दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ठीक है, देन नेक्स्ट
On the toolbar, click on a new folder. You will see the icon of a folder with the words new folder highlighted in the box. पेज नंबर 22 पे जो हमारी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जो हमारा जो स्पोर्ट्स नाम का फोल्डर है मेन फोल्डर वो हमने ओपन किया. फिर उसके बाद हम जो हमारा टूल बार है उसमें से न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो न्यू फोल्डर है वो हाइलाइटेड एक बॉक्स में आ जाएगा. नोट द चेंजेस इन द डिटेल पेन. Type in the name of the first subfolder indoor games and press the enter key. The box disappears and the name of the new subfolder is highlighted. In indoor games, हमारी जो indoor games है उसमें हम enter key है उसको press करेंगे और जो box है जो वो disappear हो जाएगा और जो न्यू सब फोल्डर है हाइलाइटेड वो हमें दिखेगा. क्लिक एनीवेयर इन द विंडो टू रिमूव द हाइलाइटेड. एनीवेयर कहीं भी हमारा जो विंडो है उसको रिमूव करेंगे हम हाइलाइटेड है उसको रिमूव करेंगे. नेक्स्ट इज यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारा जो स्पोर्ट्स नाम का मेन फोल्डर है उसके अंदर हमने इंडोर गेम्स नाम का सब फोल्डर है उसको हमने क्रिएट कर दिया है. तो डिटेल पेन नाउ शोज वन आइटम विच इज द इंडोर गेम्स सब फोल्डर दैट वी हैव जस्ट क्रिएट इन स्पोर्ट्स फोल्डर. इंडोर गेम्स नाम का हमने जो सब फोल्डर है वो क्रिएट किया है हमारा जो मेन फोल्डर है स्पोर्ट्स उसमें. इसीलिए आपको जो डिटेल पेन है उसमें उसमें वन आइटम ऐसा लिखा हुआ शो करेगा. फोर्थ वन इन दिस वे क्रिएट द सेकंड सब फोल्डर आउटडोर गेम्स इन स्पोर्ट्स फोल्डर. सेकंड सब फोल्डर है आउटडोर गेम्स में इन सब स्पोर्ट्स फोल्डर में उसमें आपको सेकंड जो सब फोल्डर है वो हम क्रिएट करेंगे आउटडोर गेम्स ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं. देन द डिटेल पिन शोज टू आइटम्स द सब फोल्डर्स दैट वी हैव क्रिएटेड इन स्पोर्ट्स फोल्डर. जब हम दो सब फोल्डर्स ओपन करेंगे हमारा जो मेन फोल्डर है स्पोर्ट्स उसमें फर्स्ट वन इज़ अ इंडोर गेम्स एंड सेकेंड वन इज़ अ आउटडोर गेम तो हमारे जो डिटेल पिन है उसमें शो होगा कि हमने दो आइटम क्रिएट की है तो उसमें मैसेज होगा टू आइटम्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप. रिमेंबर इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर अ फोल्डर और अ फाइल इन द फाइल दिस The detail pane will show the name and other details of that file or folder. आप माउस का पॉइंटर है उस फाइल या फोल्डर पे ले जाएंगे तो आपकी जो डिटेल पेन है वो आपको शो करेगी कि जो आपका जो फाइल और फोल्डर है उसकी डिटेल आपको शो करेगी. क्रिएट अ फाइल. We will create two files, chess and caroms in indoor games subfolders and two files, football and hockey in outdoor games subfolder. First we will create files in indoor games subfolder. हम हमारी जो फाइल है फाइल्स है इंडोर गेम्स में जो हमारी चेस और कैरम वो हम पहले उसको बनाते हैं क्रिएट करते हैं. फर्स्ट इन द स्पोर्ट्स विंडो क्लिक ऑन अ इंडोर गेम्स सब फोल्डर. यू विल सी अ ब्लैंक इंडोर गेम्स विंडो. स्पोर्ट्स विंडो जो हमारा है उसमें हम इंडोर गेम्स जो सब फोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे. यू विल सी अ ब्लैंक इंडोर गेम्स विंडो. हम ब्लैंक इंडोर गेम्स विंडो है उसको देखेंगे. नॉट द चेंजेस इन द एड्रेस बार लाइब्रेरी पेन एंड डिटेल्स पेन. हमारी जो लाइब्रेरी पेन और डिटेल्स पेन है उसमें एड्रेस बार है वो दिखेगा.
In indoor games, this folder is empty. And in details pane, there is a zero item. On the menu bar, click on a file. You will see a drop-down menu. हमारा जो मेनू बार है उसमें जो हमारा फर्स्ट मेनू है फाइल, वो हम उस पर हमें क्लिक करना है तो हमें एक ड्रॉप डाउन मेनू है वो दिखेगा. एंड देन इन मेनू बार ऑन दिस मेनू पॉइंट टू न्यू यू विल सी अ सब मेनू. जो हमारा जो न्यू लिखा हुआ है, जो मेनू बार है उसमें जो फाइल मेनू है उसमें न्यू है, उस पर हमें पॉइंट करना है तो वहाँ पे हमको सब जो हमारे मेनू है वो आपको दिखेंगे. ऑन दिस सब मेनू क्लिक ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट. यू विल सी द आइकॉन ऑफ अ वर्ड फाइल विथ द वर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड इन द बॉक्स. जो हमारा सब मेनू है उसमें से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करना है तो हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिमेंबर व्हेन यू क्लिक ऑन अ फाइल इन फाइल न्यू द सब मेनू शोज यू वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स दैट यू कैन क्रिएट इन अ फोल्डर और अ सब फोल्डर बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू फोल्डर फ्रॉम दिस मेनू. आप इस मेनू से न्यू फोल्डर या फिर फाइल है, वेरियस टाइप की फाइल है उस पर क्रिएट आप कर सकते हैं. नोट द चेंजेस इन द डिटेल्स पेन. डिटेल्स पेन है उस पर चेंजेस आएगा, उस पर लिखा हुआ होगा न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि हमने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल बनाई है वो दिखेगी और हमारी जो नई फाइल है वो भी हमें यहाँ पे हाईलाइटेड एक बॉक्स में दिखेगी, न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट. टाइप इन द नेम ऑफ द फर्स्ट फाइल चेस and press the enter key, the box disappears and the name of the new file is highlighted. जो हमारी चेस है वो हम चेस लिखा हुआ उस वहाँ पर हम टाइप करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो बॉक्स है वो डिसअपियर हो जाएगा और न्यू फाइल है वो हाईलाइट हो जाएगी. The details pane now shows one item which is the chess file that we have just created in indoor games subfolder. जो हमारी details file है उसमें one item ऐसा लिखा हुआ होगा क्योंकि हमारी जो indoor games की जो file है उस folder है उसमें हमने chess नाम की एक file बनाई है. Then next, इन दिस वे क्रिएट द सेकेंड फाइल कैरम इन द इंडोर गेम्स सबफोल्डर. जैसे हमने चेस नाम की जो फाइल बनाई है वैसे ही हमको जो हमारी कैरम नाम की जो फाइल है वो सेम उसी वे में हमको क्रिएट करना है. नॉट दैट एज सुन एज यू टाइप इन द नेम एंड प्रेस द एंटर की द न्यू और फोल्डर मूव्स न्यू फाइल और फोल्डर moves to its correct place in the alphabetical order of the list. ठीक है, या जब भी हम हमारी जो कोई भी फाइल है या फिर फोल्डर है वो क्रिएट करेंगे तो वो अपनी करेक्ट प्लेस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वहाँ जहाँ पर उसकी करेक्ट प्लेस है वहाँ पर हमारी जो फाइल और फोल्डर है वो मूव हो जाएंगे. The details pane now shows two items, the two files that we have created in indoor games subfolder. Two items है वो हमें show करने को मिलेगी. Two files that we have created in indoor games, हमने जो two files है वो indoor games में create की है. So now we will create file in the outdoor games subfolder. So click on back to go back to the sports window. हमें sports window हमारी जो है उसमें back जाना है तो हम back button का use करेंगे. In the sports window click on outdoor game subfolder. You will see the blank outdoor game window.
सेम हमने जो इंडोर गेम्स में जैसे ही फाइल बनाई है वैसे ही आउटडोर गेम्स में भी हम दो फाइल्स क्रिएट करेंगे. नॉट द चेंजेस इन द एड्रेस बार लाइब्रेरी पेन एंड डिटेल्स पेन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक 9th वन. ऑन द मेनू बार क्लिक ऑन अ फाइल देन इन फाइल क्लिक ऑन अ न्यू. इन न्यू क्लिक ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट टू क्रिएट टू फाइल्स फुटबॉल एंड हॉकी इन आउटडोर गेम्स सब फोल्डर. हमारा जो आउटडोर गेम सब फोल्डर है उस पर हमें जो हमारा मेन फोल्डर है स्पोर्ट्स उसमें हमें आउटडोर गेम्स की जो सब फोल्डर बनाया है उसमें हमें दो फाइल्स क्रिएट करनी है फुटबॉल एंड हॉकी. तो इंडोर गेम्स में हमने जो कैरम और चेस की जो जैसे फाइल बनाई है सेम उसी वे में हमको आउटडोर गेम्स में भी दो फाइल है उसको क्रिएट करना है. See here, there is a picture of the two files of outdoor games, football and hockey is already created and the detail pane shows two items, the two files that we have created in outdoor games subfolder. The detail pane shows two items, the two files that we have created outdoor games subfolder. And then now click on a close to close the window. ठीक है तो ऐसे इस तरह हमें जो हमारा मेन फोल्डर है स्पोर्ट्स उसमें दो फोल्डर सब फोल्डर्स है आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स. इन आउटडोर गेम्स देर इज द टू फाइल्स फुटबॉल एंड हॉकी एंड इन इंडोर गेम्स देर इज द टू फाइल्स चेस एंड कैरम आर क्रिएटेड. सो नाउ our next topic is move a file or folder. वो हम next video में देखेंगे. Till to the next video, goodbye and have a nice day.